पिछले एक महीने में टमाटर के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है। टमाटर के भाव 150 रुपए किलो से 30 रुपए किलो तक रुड़क गए हैं, तो वहीं दालों के भाव में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। दालों की कीमत में महज 15 दिनों में 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का कहना है कि बारिश नहीं होने के कारण दालों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो सब्जी की पैदावार ज्यादा होने से सब्जियों के भाव में गिरावट है। बारिश की खींच का असर दालों पर देखने को मिल रहा है। इन दिनों दालें महंगाई की चपेट में है। 15 दिन के भीतर ही तुअर दाल के भाव 150 रुपए प्रति किलो से 170 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। मूंग, उड़द, मसूर और चने की दाल के भाव में भी 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दालों के भाव में बढ़ोतरी की वजह मानसून की बेरुखी बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले में सबसे ज्यादा तुअर दाल महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र में इस साल बारिश कम होने से तुअर दाल की पैदावार कम हुई है। यही वजह है कि तुअर दाल के भाव में इजाफा हुआ है। तुअर दाल के भाव में बढ़ोतरी होते देख लोगों ने दूसरी दालों की ओर रुख किया, तो उन दालों के भाव भी बढ़ने लगे। दाल व्यापारी दीपक सेठिया के मुताबिक दालों में बहुत महंगाई देखने को मिल रही है। जो दाल एक महीने पहले 150 रुपए किलो बिक रही थी, वही दाल आज 170 रुपए किलो तक बिक रही है। बारिश की कमी की वजह से अगली फसल कमजोर रहने वाली है। यही वजह है कि दालों के भाव बढ़ रहे हैं। दालों में भी बहुत महंगाई हो गई है। अभी कुछ दिनों में दालों में 20 से 30 रुपए किलो की तेजी आ गई है। जो दाल 150 रुपए बिक रही थी, वो आज 170 रुपए बिक रही है। इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत फर्क पड़ रहा है। बारिश की कमी की वजह से अगली फसल जो आने वाली है वो कमजोर रहेगी, तो उसकी वजह से बहुत तेजी आ रही है। दालों की बढ़ती कीमत आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, तो वहीं टमाटर के भाव सुकून का एहसास दिला रहे हैं। जो टमाटर एक महीने पहले अपना रंग दिखाते हुए 150 से 200 रुपए किलो तक बिक रहे थे, वही टमाटर आज 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। टमाटर के साथ बाकी सब्जियों के भाव भी फिलहाल आम लोगों के बजट पर भारी नहीं पड़ रहे हैं। सब्जी खरीदने पहुंचे विकास शर्मा ने बताया कि पहले टमाटर के साथ सब्जियां महंगी थी, लेकिन अब सब्जियों की महंगाई से राहत मिली है, तो दालें महंगी हो गई हैं। गरीब वर्ग के लोगों के लिए महंगी दाल एडजस्ट करना मुश्किल है। महंगाई के बारे में जो मतलब महंगाई अभी ये सब्जी में अपने को जो पहले 150 रुपए किलो टमाटर मिल रहे थे या और भी जो सब्जी महंगी थी, वो अभी मुझे सब्जी में राहत मिली है। बाकी दालें वगैरह ये महंगी हो गई है, तो दालें सब मतलब सब्जी का जो भी है, दाल वगैरह जो भी सब रेट का सेम सेम रहना चाहिए। गरीब आदमी वर्ग के जो लोग हैं वो फिर दालें वगैरह खाना करना वो कैसे क्या एडजस्ट करेंगे। अब सब्जी है, सब्जी में देखते हैं अभी टमाटर सस्ते हैं तो टमाटर ले जाएंगे, सब्जी और भी सस्ती है तो अभी वो देखें, फिर दालें वगैरह खाने से तो मतलब है वो फिर दाल से वंचित ले जाएंगे। ये भी 30 रुपए किलो मिले हैं टमाटर, पहले 150 रुपए किलो राहत मिली सर। टमाटर सब्जी में हरी सब्जी में राहत मिली अपने को। लोकल 18 के लिए मंदसौर से शादाब चौधरी की रिपोर्ट।